खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक संसद का कामकाज ठप पड़ा है। कांग्रेस समेत विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। विपक्ष अडानी मामले को लेकर मुद्दा बना रहा है, तो बीजेपी देश के अपमान को मुद्दा बना रही है। इस तरह इस घमासान का चुनावी कनेक्शन है, लेकिन संसद का सत्र इसकी भेंट चढ़ रहा है। संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, मेरे विचार में अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है। राहुल गांधी का प्रश्नकाल, मैं आपसे आग्रह करूंगा विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करते हैं, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। संसद के इतिहास में ऐसा कम ही होता है जब सरकार और विपक्ष मिलकर सदन की कार्रवाई का स्वाहा करते दिखे। सदन में घमासान के भी दो मोर्चे बन गए हैं। एक मोर्चा सरकार का है, जहां निशाने पर राहुल गांधी हैं। दूसरा कांग्रेस समेत विपक्ष का, जो अडानी मामले में जेपीसी मांग रहा है। हालांकि कांग्रेस की लड़ाई दो फ्रंट पर चल रही है, राहुल का बचाव भी करना है और सरकार पर हमला भी। अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोदने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूं। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। इन दिनों कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि सभी विरोधी पार्टियों का साथ जो मिल रहा है। आज 18 विरोधी पार्टियों ने मिलकर ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला। हालांकि इनमें वो पार्टियां खासतौर पर हमलावर नजर आईं, जिनके नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। ईडी इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। ये विश्वास प्रतीक है कि यह तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं, मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृत्यों को लगातार उजागर करेंगे। बहरहाल विपक्ष के मार्च का मकसद ईडी को अडानी मामले में जांच के लिए मेमोरेंडम देना था, लेकिन ये हो न पाया। संसद से बाहर विजय चौक पर ही पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नेताओं को रोक लिया। कहा गया कि ईडी मुलाकात के लिए तैयार नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट वो भी MPs जो जनता से चुने हुए जिम्मेदार लोग अपनी बात रखने के लिए ईडी ऑफिस में जब जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसको भी अगर अवकाश नहीं मिला और उनको रोका गया तो ये ठीक नहीं है और इसका कंडम करते हैं हम। और हमको जाना देना चाहिए था, हमको वहां जाकर तो पीसफुल मेमोरेंडम देकर अपनी बात रख के वापिस आते थे, लेकिन ईडी ने भी मना कर दिया। वो बोले हमारे कोई इत्तला नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी की दलील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट की कमेटी की जांच में सच सामने आएगा, लेकिन ये बात विपक्ष को मंजूर नहीं। इसी तरह कांग्रेस की दलील है कि राहुल ने लंदन में ऐसी कोई बात नहीं की जो देश के
विरोध में की हो। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे हजिया आम लोगों के सामने उठ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। वो अगर लोकतंत्र पे हमला करेंगे, भारत में लोकतंत्र डिस्टर्ब है, बाहर की शक्तियां आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे तो भारत चुप रहेगा, संसद चुप रहेगी? माइक बंद किए जाते हैं, स्पीकर का नाम लेकर के वो कहते हैं तो कुछ चुप रहेगा क्या? इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में कामकाज अभी तक ठप है और सदन से लेकर सड़क तक सियासी दंगल जारी है, जिसमें नतीजा निकलता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पटना में विधानसभा परिसर में लड्डू फेंक हंगामा हुआ। जी हां, विरोध प्रदर्शन और हंगामे की अजीबोगरीब तस्वीरें आपने पहले देखी होंगी, लेकिन लड्डू फेंकने वाले इस हंगामे की मिसाल नहीं मिलेगी आपको। हुआ ये कि बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायक धरना दे रहे थे। नाराजगी इस बात पर है कि बीजेपी के एक विधायक को दो दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। इसी दौरान आरजेडी के विधायक उनको लड्डू खिलाने पहुंच गए। लड्डू इसलिए बांटे जा रहे थे क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन आरजेडी विधायक बीजेपी विधायकों के पास गए तो माहौल गर्म हो गया। अब इसमें आरजेडी की दलील है कि उनका इरादा तो मुंह मीठा कराने का था, लेकिन बीजेपी के विधायक आग बबूला हो गए। कुछ लड्डू गिर गए, कुछ फेंक दिए गए और नौबत धक्का मुक्की तक की पहुंच गई। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे ही लड्डू वाला ट्रे विधायक जी के सामने पहुंचा तो तभी हवा में उछाल दिए गए लड्डू। यह देखता है मिठाई लगा के आए हैं, जलेब बनवा के गुंडागर्दी यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए थे, यहाँ पे गुंडागर्दी आए थे, गुंडागर्दी करने आए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहा है, शांतिपूर्ण राजद के लोग हम लोग यहाँ अधिकार है, अधिकार है हमारा। अरे आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को, ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को, ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए सदन में महागठबंधन सरकार और बीजेपी में जबरदस्त घमासान है। बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी को घेर रही है और आरजेडी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शायद इसलिए धरना दे रहे बीजेपी विधायकों को जब लड्डू खिलाने की कोशिश हुई तो हंगामा हो गया। बात तब और बिगड़ गई जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के विधायक जबरदस्ती जहरीला लड्डू खिलाने आए थे। अब बीजेपी इसे साजिश बताते हुए लड्डू की जांच की मांग कर रही है। देखने में तो लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लगी रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। क्यों लाया गया था? अब ये लेके हम लोग अपना सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, इससे जो है विक्षिप्त होके, इससे दुखी होके राजद के लोगों ने इस प्रकार का घृणित काम किया है। राजद के लोगों ने कहा कि जमानत मिला है तो खुशी में लड्डू, जमानत मिलेगा तो ये नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा का टीम में आएगा, धरना का टीम में आएगा, इसका जांच होगा। हम लोग लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं कि इसका जांच हो।